नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से एक और इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आ गया हूँ। काफ़ी कमाल का इलेक्ट्रिक स्कूटर होने वाला है और इसकी टॉप स्पीड तो काफ़ी ज़ोरदार होने वाली है, कमाल की होने वाली है। और स्पेसिफिकेशन तो इसमें इतने सारे दिए कि आप गिन गिन के थक जाओगे, इतने सारे स्पेसिफिकेशन इसमें दे दिए। तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर का नाम है एथर 450X। काफ़ी अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर होने वाला है और प्राइस भी दोस्तों काफ़ी अच्छी है। जिस हिसाब से इसमें फीचर मिलते हैं उस हिसाब से इसकी प्राइस काफ़ी अच्छी है। तो आपको क्या क्या इसमें मिल जाता है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। टॉप स्पीड कितनी रहने वाली है, ड्राइविंग रेंज कितनी होने वाली है, मैक्सिमम स्पीड आपको कितनी मिलेगी और चार्जिंग टाइम आपको कितना मिलने वाला है, तो सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इसमें आपको कौन कौन से कलर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको दोस्तों कौन कौन से कलर मिलते हैं वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसमें खाली तीन कलर ऑप्शन ही मिलते हैं। एक यहाँ पर आपको मिंट थोड़ा ग्रीन कलर दिखाई दे रहा होगा, वैसे तो इसका नाम मिंट है पर हल्का हल्का ये ग्रीन कलर लगता है। तो फर्स्ट कलर तो आपको ये मिंट कलर मिल जाता है। उसके बाद आपको एक कलर और मिलता है, थोड़ा ब्लैक कलर। जो ये ब्लैक कलर मिलता है इसमें थोड़ा येलो येलो के जो आपको दोस्तों स्पॉट दिए हुए वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, तो ब्लैक कलर भी आपको काफ़ी ग्लोसी लगता होगा। उसके बाद अगली बात करते हैं वाइट कलर। तो वाइट कलर में भी आपको यहाँ पर काफ़ी खतरनाक लग रही है स्कूटर, और ये स्कूटर तो तीनों कलर में एकदम झकास लग रहा है। आपको जो कलर पसंद हो वो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। तीनों कलर काफ़ी कमाल के आपको दे दिए हैं ओथर 450X में। तो अब अपन बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन की, आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन इसमें मिल जाते हैं और क्या क्या कमियां हैं, सारी जानकारी आपको यहीं पर मिलेगी। तो वीडियो पर बने रहिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहां पर अपन बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की, ओथर 450X में कौन कौन से स्पेसिफिकेशन आपको मिल जाते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर यह करते हैं कि इंजन एंड ट्रांसमिशन के बारे में। तो यहाँ पर जो आपको कंटिन्यूस पावर मिलेगी मोटर की वो 3300 वोट की मिलने वाली है, और जो मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा वो 26 Nm का मिल जाएगा। उसके बाद ड्राइव टाइप की बात करें तो आपको यहाँ पर हब मोटर मिलेगी जो काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छी स्पीड से ये चल जाता है स्कूटर। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं मोटर टाइप आपको क्या मिलेगा, तो PMSM टाइप मिलेगा जो भी काफ़ी अच्छा मोटर का एक प्रकार है, और ये खाली दोस्तों आपको ओथर ही प्रोवाइड कराता है और किसी और स्कूटर में आपको ये टाइप नहीं मिलता है। तो उसके बाद अपन बात करते हैं मोटर पावर की, तो 6000 वोट की आपको यहाँ पर मोटर पावर मिल जाएगी। कंटिन्यूस पावर तो 3300 वोट थी और 6000 आपको दोस्तों मोटर पावर मिल जाएगी। उसके बाद रेंज की बात करें तो एक चार्ज में ये 116 किलोमीटर आराम से चल जाती है, और इसमें आपको पूरे तीन मोड देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला मोड इको मोड मिलता है। इको मोड में एक चार्ज पे 85 किलोमीटर चल जाती है, और नॉर्मल मोड के अंदर ये दोस्तों चार्ज होने के बाद 70 किलोमीटर आराम से चल जाती है, 70 किलोमीटर आराम से चल जाती है। और स्पोर्ट मोड में दोस्तों क्या होता है कि स्पोर्ट मोड जैसे ही ऑन होता है तो एक चार्ज के अंदर 50 किलोमीटर आराम से चल जाएगी। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग की, तो आपको इसमें सेल्फ स्टार्ट मिलेगा। उसके बाद ट्रांसमिशन आपको ऑटोमेटिक मिलने वाला है, रिवर्स गियर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। रिवर्स गियर के बाद अपन बात करते हैं बैटरी आईपी की, तो यहाँ पर बैटरी आईपी रेट 65 आपको मिल जाएगी। उसके बाद अपन फीचर एंड सेफ्टी की बात करें तो जो आपको यहाँ पर ब्रेक सिस्टम मिलेगा वो CBS मिलेगा, कंबाइन ब्रेक सिस्टम मिल जाएगा। चार्जिंग पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, फास्ट चार्जिंग मिलेगी, इंटरनेट कनेक्टिविटी मिल जाएगी, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो मिलेगा वो आपको एंड्रॉयड ओपन मिलेगा, OS आपको मिलेगा। अब यहाँ पर प्रोसेसर की बात करें तो 1.3 GHz स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मिलने वाला है जो काफ़ी अच्छा है, और इसका टच रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा होगा। उसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ग्रेडेबिलिटी आपको 20 डिग्री मिल जाएगी, मोबाइल कनेक्टिविटी आपको ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद स्पीडोमीटर की बात करें तो डिजिटल मिल जाएगा, ओडोमीटर भी डिजिटल मिल जाएगा, कंसोल डिजिटल मिलेगा, पास लाइट आपको मिलेगी, क्लॉक आपको मिल जाएगी, राइडिंग मोड आपको मिल जाएंगे जैसा कि मैंने बताया, तीन मोड मिल जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर नेविगेशन मिल जाएगा। एडिशनल फीचर्स की बात करें तो राइड स्टेट्स आपको मिल जाएगा, लाइव लोकेशन एंड व्हीकल स्टेट ट्रैकिंग आपको यहाँ पर मिलेगा जो सबसे अच्छा ऑप्शन है, काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाता है। उसके बाद म्यूजिक कंट्रोल आपको मिलेंगे, कॉल कंट्रोल आपको मिल जाएगा, वेलकम लाइट्स आपको मिलेगी, वॉइस असिस्टेंट मिलेगा, स्मार्ट हेलमेट एंड टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलेगा जो प्रीमियम कारों के अंदर ही आता है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वो आपको इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में देखने को मिल जाएगा। पैसेंजर फुटरेस्ट मिलेगा जो भी काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। अब बात करते हैं डिस्प्ले की, तो आपको डिस्प्ले 7 इंच का TFT डिस्प्ले मिलेगा जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ आता है। उसके बाद माइलेज एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको जो टॉप स्पीड मिलेगी वो 80 किलोमीटर की मिल जाएगी, और जो आपको 0 से 40 किलोमीटर की स्पीड मिलने वाली है वो आपको मात्र 3.3 सेकंड के अंदर आपको मिल जाएगी। उसके बाद 0 से 60 की बात करें तो आपको मात्र 6.94 सेकंड के अंदर आपको 0 से 60 की स्पीड मिल जाएगी, और 0 से 80 की स्पीड का बात करें तो यहाँ पर 13 से 74 सेकंड के अंदर आपको
आपको यहाँ पर 0 से 80 की स्पीड भी मिल जाएगी। और ब्रेकिंग की बात करें और आप अगर 60 किलोमीटर की स्पीड पर चल रहे हो तो 22.14 mm का यहाँ पर आपको ब्रेकिंग मिलेगा, यानी 22.14 mm का ब्रेक आपको 0 से 60 को एकदम जीरो कर देगा। चार्जिंग की बात करें तो जो आपको चार्जिंग टाइम मिलने वाला है 0 से 80%, वो आपको मात्र 3 और 35 मिनट के अंदर 0 से 80% चार्ज हो जाएगा। और 0 से 100 आपको चार्ज करने में पूरे 5 और 45 मिनट आपको लग जाएंगे। उसके बाद चेचिस एंड सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम कास्ट चेचिस आपको मिलेगा, बॉडी टाइप इलेक्ट्रिक होने वाली है। उसके बाद फ्रंट सस्पेंशन आपको टेलीस्कोपिक मिलेगा, रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद डायमेंशन एंड कैपेसिटी की बात करें तो ये जो स्कूटर होने वाला है इसका जो वेट होगा, कर्व वेट होगा, वो 108 kg आपको मिल जाएगा। अंडर सीट स्टोरेज की बात करें तो आपको 22 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा, जो भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल्स की बात करें, यहाँ पर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट की बात करें तो हेडलाइट आपको LED मिलेगी, टेल लाइट LED मिलेगी, टर्न सिग्नल लैंप आपको जो मिलेंगे वो भी LED मिलेंगे, LED टेल लाइट्स आपको जो मिलेगी वो LED मिल जाएगी। उसके बाद अपन लिथियम आयन बैटरी आपको इसमें मिल जाएगी। उसके बाद कैपेसिटी की बात करें बैटरी की तो 2.9 किलोवाट की यहाँ पर बैटरी कैपेसिटी होने वाली है, लो बैटरी इंडिकेटर आपको मिल जाएगा। अब टायर एंड ब्रेक्स की बात करें तो जो टायर साइज आपको फ्रंट में मिलेगा 90-12 inch का मिलेगा, और रियर में भी आपको 90-12 inch का टायर मिल जाएगा। टायर टाइप की बात करें तो ट्यूबलेस टायर मिल जाएगा। व्हील साइज की बात करें जो फ्रंट में आपको 406 mm का टायर मिलेगा और रियर में भी आपको 406 mm का टायर मिल जाएगा। व्हील टाइप की बात करें तो अलॉय व्हील मिलेगा, फ्रंट में आपको डिस्क मिलेगा, रियर में डिस्क मिलेगा, और फ्रंट ब्रेक जो डायमीटर होने वाला है वो 200 mm का मिलेगा और रियर ब्रेक डायमीटर आपको 190 mm का मिल जाएगा। तो ये तो अपन ने बात कर ली स्पेसिफिकेशन, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स और सारी जानकारी आपको यहाँ पर मैंने दे दी है। अब यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं प्राइस की। मेन मुद्दा ही प्राइस का होता है, और प्राइस अगर सही हो तो लोग बाग जल्दी खरीद लेते हैं, अगर प्राइस ज़्यादा हो जाए तो लोग बाग नहीं खरीदते। जिस हिसाब से इसमें फीचर आ रहे तो उस हिसाब से इसकी प्राइस लगभग सही है। तो आपको ये प्राइस कितने में मिलेगी, जयपुर एक शोरूम की प्राइस मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, राजस्थान जयपुर की, तो आपकी सिटी में कितनी प्राइस है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर मैं प्राइस आपको बता देता हूँ, 1,14,978 रुपये में जयपुर एक शोरूम प्राइस पर ये पड़ जाएगी। उसके बाद RTO वगैरह का भी आप शोरूम पर पता कर लीजिएगा, ये एक शोरूम प्राइस है वहाँ पर। वैसे तो इसमें RTO वगैरह भी ऐड किया हुआ है, लेकिन आपके यहाँ पर थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है सिटी में, क्योंकि टैक्स वगैरह अलग अलग होते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्स लगता है, तो उस हिसाब से प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है। तो आपको यहाँ पर मैंने प्राइस बता दी, आपको फीचर बता दिए, स्पेसिफिकेशन बता दिए, कौन कौन सा कलर में मिलती है सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, सबकी हेल्प वहाँ पर ही होती है। अब मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा, ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिएगा हिमकिंग टिप्स।